नमस्कार, बड़ी बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान और मैं कमल कौशिक। एचएसएससी की ओर से पूछे गए एक सवाल से बवाल मचा है। ब्राह्मण समुदाय सड़कों पर आ गया है सरकार के खिलाफ, साथ ही बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, साथ ही मांग ये की जा रही है कि आयोग के चेयरमैन को बर्खास्त किया जाए, सीएम इस्तीफा दें। जी हाँ, एक सवाल पर बवाल मच चुका है पूरे हरियाणा में। ब्राह्मण समाज नाराज है हरियाणा सरकार से, एचएसएससी से भी नाराज है। इसके अलावा जो है विपक्ष को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल चुका है, जहां कांग्रेस इस्तीफे की मांग तक करी है हरियाणा के मुख्यमंत्री की, तो वहीं कई जो नेता है बीजेपी के बड़े बड़े नेता अब बचाव में एचएसएससी के और मुख्यमंत्री के उतर आए हैं। एचएसएससी की ओर से हुडा विभाग में जेई के पद की परीक्षा में ब्राह्मण समाज को लेकर पूछे गए सवाल पर बवाल मचा है, जिसको लेकर ब्राह्मण समाज के लोगों में रोष है। इसी मसले को लेकर हरियाणा में ब्राह्मण समाज के लोग इकट्ठा हुए, रोष जाहिर किया गया, नारेबाजी की गई, साथ ही हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। ब्राह्मण समाज की मांग है कि एचएसएससी बोर्ड के चेयरमैन को तुरंत बर्खास्त किया जाए, जिन अधिकारियों ने प्रश्न पत्र बनाया उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। ब्राह्मण समाज के लोगों का कहना है कि जिस तरह से एचएसएससी बोर्ड की परीक्षा के प्रश्न पत्र में ब्राह्मण समाज और उसकी बेटी पर आपत्तिजनक सवाल किया गया, वो निंदनीय है। इस तरह के प्रश्न पूछकर किस तरह का ज्ञान बांटा जा रहा है। साथ ही इस मामले को लेकर विपक्ष के नेताओं ने सीधे मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग रखी है। साथ ही ये भी कहा गया कि ये महज ब्राह्मण समुदाय का नहीं बल्कि 36 बिरादरी का अपमान किया गया है। हरियाणा के अंदर ये केवल आरएसएस के जो टकराव वाली जो उनकी साजिश है उसको हरियाणा में चला करके लोगों का ध्यान विकास और रोजगार कानून व्यवस्था से हटाना चाहते हैं और लोगों को आपस में टकराने के लिए, लोगों को आपस में टकराव बने, इस तरह की साजिशें भारतीय जनता पार्टी के खुद मंत्री हरियाणा में करते रहते। वहीं बीजेपी के नेताओं की ओर से एचएसएससी का बचाव किया गया। नहीं, वो सवाल जो था वो बिल्कुल गलत था और उस सवाल के लिए जो एसएस बोर्ड है उसने माफ़ी भी मांग ली है और उसके लिए जिसने वो पेपर सेट किया है उसको भी देखा जा रहा है और उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब इसके लिए करंदलाल जी कहें कि सारी सरकार ही इस्तीफा दे दे तो ये तो कोई जायज़ बात नहीं। तो हरियाणा में ब्राह्मण समाज सड़कों पर है। ब्राह्मण समाज ने सड़कों पर उतरकर एचएसएससी का विरोध किया, तो सवाल पर बवाल है, सियासत भी जोरदार है। विपक्ष को एक बार फिर से मुद्दा मिला है, लेकिन सरकार ब्राह्मण समुदाय को मनाने के लिए, ये रोष कम करने के लिए क्या कदम उठाती है, क्या सरकार की ओर से फैसला लिया जाता है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। जी, आने वाले समय में देखना होगा कि ब्राह्मण समाज और कितना उग्र होता है, क्योंकि फिलहाल जो है सरकार से नाराज साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और लगातार यही मांग है कि एचएसएससी के चेयरमैन को बर्खास्त किया जाए। बिल्कुल, सरकार पर लगातार अटैक किया जा रहा है। अब सरकार बचाव के तौर पर क्या विकल्प लेकर सामने आती है, ये बड़ा सवाल है। इसी सवाल के साथ चर्चा करेंगे, खास पैनल मेरे साथ है, हरियाणा बीजेपी से प्रवक्ता हैं हमारे साथ बीवी सिंगल साहब, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। हरियाणा कांग्रेस से प्रवक्ता तरुण भंडारी जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही नेहलू से प्रवक्ता प्रवीण अत्री साहब हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है अत्री साहब आपका। ब्राह्मण सभा से जितेंद्र शर्मा हैं, आप अध्यक्ष हैं पंचकुला ब्राह्मण सभा के, बहुत स्वागत है सभी का। सिंगल साहब, क्या लगता है, क्या ये सामान्य ज्ञान का सवाल था? नहीं ज्योति जी, ये जो सवाल था इसकी मैं भरपूर निंदा करता हूं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन श्री भारती जी के द्वारा जब ये मामला संज्ञान में आया उनके द्वारा भी इस सवाल को लेके खेद प्रकट किया गया और तुरंत कार्रवाई करते हुए जो एग्जामिनेशन के इंचार्ज थे उनको शोकॉज नोटिस दिया गया है और उनकी तरफ से ये भी कहा गया है जैसे ही उनका जवाब आएगा जो भी बनती कार्रवाई है, चाहे एफआईआर लॉन्च करवानी पड़े चाहे क्रिमिनल एक्शन लेना पड़े, सरकार के द्वारा लिया जाएगा। पर ये बात एक ध्यान रखने योग्य ये है, ये 2012 में एक अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक आई थी हरियाणा सामान्य ज्ञान के नाम से, ये बुक का टाइटल था, उसके अंदर हरियाणा के जो अपशगुन हैं उनके अंदर ये मेंशन किया हुआ था भी
अब शुगन हरियाणा के अंदर कौन कौन से माने जाते हैं, ठीक है। तो 2012 से लेके किसी ने भी इस चीज़ के ऊपर, जब उस समय की सरकार थी, ना तो उसने इसकी चिंता की, हाँ। ना इसके ऊपर ध्यान आकर्षित किया गया। आपके ध्यान में होगा जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार थी केंद्र में, तब भगत सिंह जी को लेकर भी कई बुक्स के अंदर आपत्तिजनक टिप्पणियां थी, हाँ। उनको आतंकवादी तक बताया हुआ था, तब भी हमारी सरकार नहीं उस समय इनको उजागर किए हैं। चीज सवाल ये भी है क्योंकि अब ये उजागर हुआ है ऐसा मामला। हाँ बिल्कुल कमल जी, जो आप बात कह रहे हैं, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो काम पिछले 3.5 साल का रहा है, टोटली ट्रांसपेरेंट, ऑनलाइन रहा, गोपनीयता पूरी रही है। पेपर सेट होने के बाद पेपर सेट सवाल है, मुझे बात पूरी करनी है, आप बात पूरी कीजिएगा, आपने ही तो बात पूरी की अभी तक। सुनिए सर, सुनिए, आपकी बात से आपत्ति है कि पूरी पारदर्शिता के साथ काम किया गया। आधे मिनट मुझे चाहिए, मैं प्रोसीजर बता दूंगा। ये लंबी लिस्ट है मेरे पास सर, सुनिए प्लीज सुनिए, देखिए लंबी लिस्ट है जिसमें जो सवाल पूछे गए, एक सवाल पूछा गया कि पंचायत का मुखिया कौन होता है, उसका उत्तर दिया गया कि राष्ट्रपति पंचायत का मुखिया होता है, ये HSSC सवाल करता है। एक और 11 का क्या मतलब है, इसका गायब हो जाना विकल्प दिया जाता है जो कि सही उत्तर माना गया HSSC की ओर से। पगड़ी उतारने का उत्तर HSSC जो देता है वो सेवा करना है, और भी बहुत सारे ऐसे हैं। कली मैच्योर होकर क्या बनती है, फूल, उसी तरह के विकल्प जो दिए गए उसमें सही उत्तर माना गया कि टायर बड़ा होकर साइकिल बन जाता है। आप कैसे दम भरेंगे इस बात का, सही सवाल पूछे गए, सही जवाब। मैं बात आपको बता रहा था, पेपर सेट होने के बाद जो पेपर सेटर है, पेपर सीधा एग्जामिनेशन सेंटर में आता है, टोटल गोपनीयता रखी जाती है। अगर ये सवाल पहले ध्यान में अगर कोई पढ़ता तो ये यकीनन था ये सवाल ना आते, पर उससे गोपनीयता भंग हो जाती। पर अब ये मामला संज्ञान में आया है, इस तरह के सारे सवाल, इस तरह के सारे सवाल आंसर की को ठीक करके दिया जाता है, इस तरह के सारे सवाल जो है। देखिए ऐसी ही बात, सबसे पहली बात तो ये है ज्योति, इस प्रदेश का दुर्भाग्य है, आज ऐसे लोग सत्ता में अपने झूठे वायदों के जरिए बने बैठे हैं, जिन लोगों को ना तो सामाजिक मर्यादा की चिंता है, ना ही सामाजिक भाईचारे की चिंता है। जिस तरह से एक ऐसा सवाल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के परीक्षा में पूछा जाता है, जिसमें सीधा सीधा ब्राह्मण समाज को अपमानित किया जाता है, और उसके बाद देखिए तर्क ये कि किताब 2012 में आई थी, सवाल वहां पे ऐसा था। अरे साहब, आपसे कोई पूछे कि आपने उस परंपरा को आगे बढ़ाना है, किसी भी समाज को अपमानित करना है, बजाय इस बात पे आप जवाब देने के, मैं तो एक बात और स्पष्ट कहूंगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि गलती और गुनाह दोनों में बहुत फर्क होता है। माफी गलती के लिए होती है, गुनाह के लिए दंड होता है, और आपने ये गुनाह किया है एक समाज को इस तरह से अपमानित करके। और एक बात और कह रहे थे बड़े फख्र से कि जो आयोग है बड़ी पारदर्शिता से काम कर रहा है। ज्योति जी आपको याद होगा हम यहाँ पे चर्चा कर चुके हैं इस आयोग के अंदर व्यापक भ्रष्टाचार की, दलाल पकड़े गए हैं, लेकिन दुखद ये है अदालत में जाकर लटक जाती हैं। और देखिए दुखद क्या है, दलाल पकड़े जाते हैं, लेकिन जिन लोगों के लिए वो दलाली करते थे उन लोगों पे आंच भी नहीं आती, उनको बचा लिया जाता है। और आयोग के चेयरमैन जिनकी ऑडियो वायरल होती है पैसे लेने की, उनको विधानसभा में मुख्यमंत्री जी क्लीन चिट दे देते हैं। इस तरह के तो सरकार को उन लोगों को दंडित करना चाहिए, आयोग को भंग कर देना चाहिए, और चेयरमैन साहब को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। गुनाह किया आपके पाले में गेंद डाल दी बीजेपी, ऐसा कि संघ और भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है ये हमेशा से ही लोगों को जातिगत आधार पे बांटना या धर्म के आधार पे बांटने का इनका हमेशा एजेंडा रहा है, और ये उसी एजेंडे पे हरियाणा में भी इसी तरह से काम कर रहे हैं। आज देखिए ब्राह्मण समाज जो हमारा एक ऐसा समाज है जिसको हम पूजनीय समाज कहते हैं, उसके बारे इस तरह इन्होंने अपमानित किया। और इससे पहले आप देखिए SC लोगों के लिए जब जनगणना हो रही थी उसमें फॉर्म में इन्होंने ऐसे उनके जाति लिखा गया जो कि आज बैन है। उस किताब पर क्या देंगे, कांग्रेस उस किताब पर क्या देगी, बीजेपी की बात। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि वो गवर्नमेंट की किताब नहीं थी, अगर वो किताब गलत थी मैं मानता हूं, जनता ने इनको पूरी मेजोरिटी के साथ पूरे विश्वास के साथ 47 सीट दे के भेजा। किस लिए भेजा, कि ये पुरानी सरकारों की अगर कोई कमियां थी उसको आगे लेके आए। क्या ये 4 साल इनको सरकार बने हो गए, क्या इनको पहली तो बात इनकी अधिकारियों पे कोई पकड़ नहीं है, और ये अनुभवहीन सरकार है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री, इनके आधे मंत्री तो ऐसे जो पहली बार चुनाव लड़के आए, और मुख्यमंत्री जो आज तक पंच का चुनाव नहीं लड़े उनको मुख्यमंत्री बना दिया। हरियाणा को 4 बार इन्होंने भाईचारा खराब किया, हरियाणा को जलाने का काम किया, वो किसने कराया, वो भी कांग्रेस ने करवाया। अगर कोई गलत क्वेश्चन इनकी सरकार में हुई तो वो भी कांग्रेस की गवर्नमेंट में हुआ। ये किस बात की, ये हर रोज माफी मांगते हैं जनता से, और आज जनता ये चाहती है कि वो दोबारा मौका आ जाए हमें, कि हम इनसे माफी सजा के लिए। जितेंद्र शर्मा जी,
सरकार ने जो है आश्वासन दिया है कि जांच होगी, जिसने भी गलती की है, जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, आप संतुष्ट हैं? नहीं जी। क्या कहेंगे इसके बारे में? जब तक सजा नहीं होती तब तक संतुष्ट नहीं। सजा किसको होनी चाहिए, आपको क्या लगता है? जिसने भी पेपर सेट किया, जिसने पेपर बनाया, उसको सजा होनी चाहिए, चाहे वो छोटे कद का है चाहे वो चेयरमैन कद है। ठीक है जी। जिसने प्रश्न पत्र तैयार किया उसको सजा हुई, या फिर आयोग के जो चेयरमैन हैं, जिनके लिए पूरे ही आयोग की जवाबदेही जिनको है, उन पर सजा, उनको सजा मिलनी चाहिए, उन पर एक्शन लिया जाए, वहां क्या? चेयरमैन साहब का भी इस्तीफा होना चाहिए। तो आप कहते हैं कि चेयरमैन साहब को बर्खास्त किया जाना चाहिए, ये आपकी मुख्य मांग है? बिल्कुल। आप इसमें डटे हैं अभी भी? बिल्कुल। सिंगल साहब लगातार ये मांग कर, ब्राह्मण समाज का इन्होंने बिल्कुल गौरव मान कर उतर कर ये बातें कही जा रही है, तो आप क्यों नहीं ऐसी कार्रवाई करते? आश्वासन तो दीजिए कम से कम। कमल जी, अभी जो चर्चा में दो विषय आए, मैं सिर्फ दो मिनट का समय लूंगा उनका जवाब देने के लिए। जहाँ तक शर्मा जी जो बात कर रहे हैं एक्शन के लिए, मैंने जैसे बताया 4 तारीख को ये मामला संज्ञान में आया, 5 तारीख को सुबह ही श्री भारत भूषण भारती जो चेयरमैन है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के, उन्होंने शो कॉज नोटिस दे दिया, इंक्वायरी जो है इनिशिएट हो गया। क्या काफी है? मुझे काफी सर चाहिए था, नोटिस में क्या क्या पूछा गया? ऐसा है, उनसे पूछा गया भी ये सवाल जो है ये पेपर्स में कैसे सेट हुए, जो कि हरियाणा का जो ताना बाना, सामाजिक ताना बाना है उसको डिस्टर्ब करते हैं, समाज कैसे सेट हुए। जहाँ तक बात अभी इनेलो की कर रहे थे अत्री जी, उसमें ये भी कहा गया कि बताएं कार नोटिस सिर्फ यही दिया गया कि नहीं, नहीं उसके बाद ये सरकारी प्रक्रिया है कमल जी, ये सरकारी प्रक्रिया है, नोटिस का जवाब आएगा उसके बाद जो संबंधित अधिकारी है, 10 दिन का समय दिया गया, जो संबंधित अधिकारी हैं उस जवाब को देखने के बाद उसके बाद FIR करनी है, क्रिमिनल एक्शन लेना है, जो भी एक्शन लेना है उसमें इनिशिएट होगा। जो की गई थी वो ये थी कि आयोग के चेयरमैन को बर्खास्त किया जाए। ऐसा है ज्योति जी, जैसे मैंने शुरू में बताया आयोग के चेयरमैन का तैयार किया जाता है, क्या उसको क्रॉस चेक नहीं किया? आयोग के चेयरमैन का इसके अंदर डायरेक्ट कोई रोल नहीं होता। एग्जामिनेशन जो पेपर सेटर है उसका पेपर सेट होने के बाद सीधा का सीधा एग्जामिनेशन सेंटर्स में रहता है, ताकि गोपनीयता बनी रहे, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। इसी एक मिनट इसी के चलते उसके बाद आएंगे चर्चा पर। जय यादव जी, आपका स्वागत है खबर अभी तक पर। मेरे आवाज आप तक पहुंच पा रही है जय यादव जी? यादव साहब सुन पा रहे हैं आप? जौहर यादव जी आप सुन पा रहे हैं? चलिए फिर से कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की। सिंगल साहब एक बात कह रहे थे कि 4 तारीख को मामला संज्ञान में आया, 10 अप्रैल को ये एग्जाम होता है, 24 दिन तक सरकार और आयोग के संज्ञान में मामला ही नहीं था, सबसे बड़ी विडंबना तो ये। और दूसरी बात, 4 तारीख को आपके संज्ञान में मामला आता है, आज 8 तारीख पे हम बैठे हुए हैं, ब्राह्मण सम्मान आप कोई कार्रवाई कर रहे हैं? सिंगल साहब मेरे बात आप तक पहुंच पा रहे हैं जवाहर यादव जी? हाँ मैं जवाहर यादव हूँ। जवाहर यादव जी, ये जो मसला है इस पर भी आपने ये कहा कि 2012 में कांग्रेस के समय में एक किताब प्रकाशित हुई, उसी में से ये सवाल लिया गया है। अब कांग्रेस कह रही है कि आप जो है धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, जाति के नाम पर बांटना जो है बीजेपी पार्टी का काम हो चुका है। देखिए पहले तो ये बताया कि जो हमने तथ्य दिए हैं, पुस्तक का दिया, पुस्तक दी है, पुस्तक के लेखक का नाम दे दिया, कब छपी है वो दे दिया, तो इस पे हमने समाज बांट दिया। क्या अगर इसके आधार पे समाज बटना था तो इस समय फिर वो 2012 में बट गया? तो आपने वो किताब ली क्यों? कांग्रेस के टाइम में छपी हुई किताब से आपने क्वेश्चन क्यों लिया? आपने नहीं, मैंने बोलना शुरू नहीं किया, मेरे बात क्या अंतर देना था? आपसे सवाल पूछा गया, प्लीज बोलिए। देखिए 2012 की ये पुस्तक है और ये कहते हैं कि इसलिए सिलेक्ट नहीं लिया क्योंकि सवाल कमीशन नहीं लेता, ये जो परीक्षा नियंत्रक का एक अलग डिपार्टमेंट होता है जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, जब तक ये बनकर पब्लिक डोमेन में नहीं आता तब तक कमीशन को भी नहीं पता होता कि क्वेश्चन पेपर क्या था, उसमें वैकल्पिक उत्तर क्या थे। यानी गलती तो हुई है, गलती हो, अब मैं भी बात कर रहा हूँ, अब वो गलती होने के बाद कमीशन ने लिखित रूप से वेबसाइट पे भी डाल दिया, ब्राह्मण समाज से माफी मांग ली। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि ब्राह्मण समाज का विषय नहीं है, उस पुस्तक में ये भी लिखा है कि जो गवाले हैं उसमें जाट, यादव, गुजर तीनों कम्युनिटी आते हैं, अगर इनका चेहरा दिख जाए भैंस के ऊपर बैठे हुए तो वो भी अपशकुन है।
हमने तो जार यादव साहब 2012 का जो प्रश्न है 2018 में क्यों लिया गया है इस किताब का प्रश्न। देखो मैं एक मिनट बोलूं जी, मैं डिबेट का हिस्सा तो नहीं, मैं तो बोल के चला जाऊंगा। ठीक है ठीक है। अटल जी की सरकार में भगत सिंह को आतंकवादी बताया जाता था, जाटों के बारे में अब तक लिखे हुए थे पुस्तकों में, वो अटल जी की सरकार में वापस लिए गए। ठीक है जवाहर साहब, यहाँ पर एक सवाल करना चाहते हैं, अगर आप सुनना चाहें तो। जवाहर जी मेरा एक आपसे सवाल है, आपने जिक्र किया 2012 में छपी किताब अरिहंत पब्लिकेशन की, मानता हूं कांग्रेस ने गुनाह किया, आज आप सत्ता में हैं, क्या आपको नहीं लगता सत्ता में होने के नाते इस पब्लिकेशन के खिलाफ भी आप कार्रवाई करें, उस जिसने किताब के अंदर सवाल रखा उसके खिलाफ भी कार्रवाई करें, और जो एग्जाम में सवाल रखा क्या उस आयोग के चेयरमैन की जिम्मेवारी नहीं बनती कि उसने इस तरह का सवाल परीक्षा में रखकर ब्राह्मण समाज का अपमान किया? अब उत्तर ले लीजिए, आपका मैं उत्तर देता हूँ। एक तो आपको कमीशन का तरीका बताता हूँ, चेयरमैन को भी ये नहीं पता होता कि पर्सन क्या है और उसमें वैकल्पिक उत्तर क्या है। आप 10 तारीख को पता क्या था? तो पता चल गया। अरे आप सुन लीजिए, देखिए आपने पर्सन क्या, मैं उत्तर दे रहा हूँ। ठीक है ठीक है, मैंने सुना जी जी। उसके बाद चेयरमैन ने आयोग की तरफ से लिखित से माफी मांगी, जिन्होंने ये पर्सन बनाया था उस पर नोटिस इशू कर दिया है, और आगे हरियाणा सरकार ने भी ये कह दिया इस तरह के पर्सन कभी आगे से किसी भी समाज के लिए ना आए, इसके लिए अभी से व्यवस्था की जाए। तो हमने तो जो कमी थी उस त्रुटि को सुधारा और माफी के साथ कहा कि जिसने भी गलती की है परंतु उसकी माफी हम मांगते हैं। ठीक है, चलिए भंडारी साहब आप जवाब दीजिए इस बात का, क्या कांग्रेस को राजनीति करने का मुद्दा मिल गया है? हर बात पे सीएम इस्तीफा दे दें, हर बात पे आयोग के चेयरमैन इस्तीफा दे दें, ये बात कही गई कैबिनेट मंत्री अनिल विज की ओर से? ऐसा है कि हम इस पे राजनीति नहीं करना चाहते, अगर कोई गलती हुई है तो उसको हम ये नहीं चाहते कि हम मुंह बंद करके भी बैठे रहे। ये बात आज इतनी छोटी बात नहीं है, ये 2012 की किताब जो छपी थी, अगर इनकी सरकार बन गई थी तो इस सरकार को उस किताब के लेखक के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए थी। है। और आपकी, इनको ना आपकी पार्टी के विधायक ये कहते हैं कि ब्राह्मण समुदाय सड़कों पर आ जाए, क्या कांग्रेस जो है माहौल खराब करने के लिए जुटी है हरियाणा में? कांग्रेस ने हमेशा 36 बिरादरियों का सम्मान किया है, सभी धर्मों का सम्मान किया है, हम बांटने की राजनीति कभी नहीं, हमने देश चलाया है 70 साल, कभी प्रदेश में आज तक कभी भाईचारा नहीं खराब हुआ। और देखिए इनके सरकार बनते सारा, आप देखिए जाट आरक्षण, मैं याद दिलाना चाहूंगा ज्योति जी, मैं तो याद दिलाना चाहूंगा, अब तक इनके समय में तब तक क्या हुआ? मेरी बात है कि कोई समुदाय सड़कों पर आ जाए, आप लोग भी अपील करेंगे, जो जिस आदमी के खिलाफ कोई भी गलत बात होगी सड़कों पे आना उसका अधिकार है, आप रोक नहीं सकते इस बात से। बीजेपी ने कह दिया है, आप इस बात से रोक नहीं सकते कि वो सड़कों पे आके अपनी मांग बना रहा है, आप लोग अपील करेंगे, उस पर कार्रवाई होगी, उसके बावजूद आप इस्तीफे की मांग क्यों कर रहे हैं? वो भी बात बताना चाहता हूं, इन्होंने कार्रवाई बड़ी अच्छे ढंग से जाट आरक्षण में भी की थी, बाद में वही एफआईआर वापस ली, पंचकूला जब जला इन्होंने कई लोगों के खिलाफ एफआईआर की और धारा कम करने का काम किया। ये भारतीय जनता अच्छा। पार्टी की जो सरकार है ये हमेशा यू टर्न करती है, इनके ऊपर ना तो लोगों को विश्वास है ना किसी और को विश्वास है, और ये गोपनीयता की बात कर रहे हैं। एक सवाल ले लेते हैं उनसे, आपकी जवाब लेंगे, आपका जवाब भंडारी साहब आपकी बात होगी। जवाहर यादव साहब मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही है तो आपसे एक सवाल है, ब्राह्मण समाज जो ये कहता नजर आ रहा है कि एचएसएससी के जो चेयरमैन है वो इस्तीफा दे, इस पर क्या कहेंगे? ये विपक्ष नहीं है, ब्राह्मण समाज कह रहा है, आपने भी सुना होगा। मैं दोनों का उत्तर देता हूँ। एक तो तरुण भंडारी जी ने कहा कि इन्होंने जाट आरक्षण के समय केस बनाए और वापिस लिए, क्या ये कांग्रेस की मांग नहीं थी? ये अशोक तंवर जी की भी मांग थी, हमारी मांग तो आजादियों के खिलाफ कर रही करो, जवाब ले लेते हैं। देखिए भंडारी साहब जवाब तो ले लो, भंडारी साहब आप सुनने की भी क्षमता रखो, फोन लाइन पर उनका जवाब दे देते हैं। मैं डिबेट नहीं कर पाऊंगा ऐसे, मैं इनको सुनता हूँ, मैं बोलना शुरू करता हूँ, चिल्लाना शुरू करता हूँ, सॉरी नमस्ते जी, मेरा जवाब लेके जाना। चलिए फिर से कोशिश करेंगे, लगता है कि भंडारी साहब आपसे नाराज हो गए हैं। जवाहर यादव साहब जी, कमल जी जरा कम जी सिंह जितेंद्र जी का ले लेते हैं जवाब। ब्राह्मण समाज बिल्कुल भी राजनीति नहीं चाहता इस मुद्दे पे जी, ब्राह्मण समाज रिजल्ट चाहता है, जिसने गुनाह किया उसको सजा मिले, हमें कोई हम किसी पार्टी से संबंधित नहीं है, समाज का प्रतिनिधि के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसने गलती की है चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है उसको सजा मिले। कमल जी हम रिजल्ट चाहिए, इंक्वायरी नहीं चाहिए, हमें कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं चाहिए जी, बिल्कुल चेयरमैन अगर दोषी नहीं पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आप क्या चाहते हैं जो जिन्होंने प्रश्न बनाया है, जिन्होंने प्रश्न पत्र बनाया है उन पर कार्रवाई हो, इतने में संतुष्ट हो जाएंगे आप?
नहीं, कार्रवाई तो इन पे सब पे होना चाहिए, जिम्मेवारी तो चेयरमैन साहब की भी जिम्मेवारी है। बिल्कुल, चेयरमैन खुद जिम्मेवार है, वो आयोग के चेयरमैन जी। दो मिनट का समय मुझे चाहिए। ये सारा साजिश के साथ हुआ है, जितना भी हुआ है। शर्मा जी की बात से सहमत हूँ, जो भी दोषी होगा इसके अंदर ये कार्रवाई होगी, सरकार की तरफ से भी कह दिया गया है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कह दिया गया। ज्योति जी दो मिनट मुझे समय चाहिए। जो बातें आई है, कांग्रेस के नेता अगर 2012 की छपी हुई किताब को पढ़ लेते आज राजनीति करने के बजाय, ये पहले से कनेक्शन हो जाती। दूसरी मैं ध्यान चलाना चाहूंगा, 2010 के अंदर जिन जिले के अंदर 3 ब्राह्मण युवतियों का मर्डर हुआ, उस समय की पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पाई, गांव के लोगों ने कातिलों को पकड़ के उनको अरेस्ट करवाया, और इनेलो का समय बेटा दलितों के ऊपर जो अत्याचार हुए, एक लंबी पिछली सरकारों की बात करके अपनी गलतियों को ढकने का काम करते हैं। सिंगल साहब, पिछली सरकारों का जिक्र करके आप अपनी गलतियों को ढकने का काम करते हैं। हम गलती मान भी रहे हैं, अगर हुई है उस पर कार्रवाई भी निषेध किए हैं। क्या सरकार माफी मांग रही है? स्टार सिलेक्शन कमीशन की तरफ से माफी मांगी रही है, और सिलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस दिया गया है, जो कार्रवाई बनती है कार्रवाई करने जा रहे हैं। कहने से रुका कीजिए प्लीज, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अत्रे साहब, क्या मजबूरियां लगती हैं जब आरोप लगातार लग रखी है, जब हाईकोर्ट फटकार लगा चुका है एचएसएससी बोर्ड को, उसके बाद भी आयोग के चेयरमैन का कार्यकाल बढ़ा दिया जाता है और उसके कुछ समय बाद ये जानकारी दी जाती है सत्र खत्म होने के बाद। देखिए ऐसा है ज्योति, ये तो पहली बार हम जब चर्चा कर रहे थे तब भी मैंने बड़ा स्पष्ट कहा था कि आयोग में जितना भ्रष्टाचार हो रहा है वो चेयरमैन साहब और सीएम साहब। माफी के साथ आपको रोकूंगी मैं, राज्यसभा सांसद डीपी वत्स साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वत्स साहब, बहुत स्वागत है खबरें अभी तक पर आपका। थैंक यू। एचएसएससी बोर्ड की ओर से जो सवाल पूछा गया है ब्राह्मण समुदाय को लेकर, ब्राह्मण समुदाय की कन्या को लेकर, उस पर बताइए क्या सोचते हैं? वो बिल्कुल गलत हुआ है। वो गलत हुआ है जी। जाति सूचक तिरस्कार भरी बातें किसी भी जाति के बारे में नहीं होना चाहिए जी। इसमें जहां भी जिसका कसूर है वो जिम्मेदारी फिक्स करके उसको सजा मिलनी चाहिए जी। और इस पे कार्रवाई की है हमने, इसका संज्ञान लिया है। हाँ। और मैंने आगे बात को बढ़ाया है, उस पे आयोग ने एक्शन तो लिया है। पहले तो आयोग ने खुद माफी मांगी है और फिर इंक्वायरी ऑर्डर की है, उसमें जिम्मेदारी फिक्स होने पे क्या शुरुआती जो जांच की जा रही है वो काफी लगती है आपको? देखो जांच तो पहले तो आयोग ही जांच करेगा, अपने जो पेपर सेटर्स हैं वो पता करेगा। डीपी वत्स साहब, इनेलो के परवीन अत्रे आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। वत्स साहब, अभी आपने खुद ये बात कही कि ये इसकी सजा मिलनी चाहिए, आप कह रहे हैं आयोग ने माफी मांगी, जब आप ये बात जानते हैं कि माफी गलती के लिए होती है, गुनाह के लिए नहीं, गुनाह के लिए दंड होता है और आपने खुद भी माना कि सजा मिलनी चाहिए, तो फिर आयोग की माफी से आप संतुष्ट क्यों हैं? क्यों नहीं आप कहते कि आयोग के चेयरमैन को दंड मिलना चाहिए क्योंकि उसकी जिम्मेदारी बनती है? मेरी बात सुनो कि कोई भी दंड जब मिलता है जब उसके ऊपर उसका कसूर एस्टेब्लिश हो जाए, एविडेंस बेस्ड। तो क्या चेयरमैन का कसूर नहीं है? चेयरमैन की सरप्रस्ती में परीक्षा में ऐसा सवाल पूछा जा रहा है, व्हाट्सएप क्या आपको लगता नहीं है चेयरमैन कसूरवार है इसमें? देखो एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स तो है, मगर कसूर कहाँ फिक्स होगा? कसूर जाके अल्टीमेटली उन्होंने बुक से कॉपी किया है, बुक के बाद जो पेपर आपसे, जो लोग ब्राह्मण समुदाय से सड़कों पर खड़े हैं क्या व्हाट्सएप भी उनके साथ खड़े हैं? देखो सिर्फ ब्राह्मण समुदाय नहीं, किसी भी समुदाय के बारे में जाति सूचक तिरस्कार भरी बात की जाए तो उसका सभी ने साथ देना चाहिए। सर, क्योंकि ब्राह्मण समाज भी ये कह रहा है कि एचएसएससी के चेयरमैन पर कार्रवाई क्यों ना हो, क्यों उनको बर्खास्त ना किया जाए, सस्पेंड ना किया जाए? भाई पहले कसूर तो एस्टेब्लिश करो, ऐसे मैं चलते चलते सड़क पे बोल दूं कि सबको सस्पेंड करके बर्खास्त करो, पहले एविडेंस बेस्ड है जुडिशरी और न्याय, उसको कहाँ कसूर फिक्स होता है कि इसका कितना टाइम बाउंड रहेगा जी? कुछ आप इस चैनल के माध्यम से बताओ कि कोई टाइम बाउंड रहेगा या इसी तरह टाइम बाउंड निकल रहा है ना? विद इन 10 डेज मैंने जवाब मांगा है। तो वत्स साहब, क्या जो आपने कहा, क्या अभी तक उस आदमी का नाम डिस्क्लोज क्यों नहीं हुआ जो आपके हिसाब से कसूरवार है? उसका नाम बता दीजिए कौन है वो। नहीं नाम तो देखो ये काम तो कमीशन का है, कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो सरकार से इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो ये बात हम भाजपा के प्रवक्ता से पूछ लेते हैं कि भाई बता दे उस व्यक्ति का नाम जिसको ये कह रहे हैं। सिंगल साहब,
मैंने कहा कि नाम बताने से वो पहले प्रूव तो हो, एक तो सबसे पहले तो किताब जो है उसका प्रूव हुआ नाम तो, कि भाई ये जो किताब छपी है अभी 2012 में, सरकार की आपका भी यही पक्ष है, छपी पता चला कि कौन से सन में। सिंगल साहब जी, बड़ी बात यह है कि सवाल पर बवाल अब भी जारी है। हरियाणा के कई जिलों में आज भी प्रदर्शन देखने को मिले हैं। ब्राह्मण समाज सरकार से भी नाराज है, एचएसएससी के सवाल पर भी काफी नाराज दिखा है। सिंगला साहब, आप इस बात का जवाब दीजिए कि बीजेपी का स्टैंड क्या है, अगर बहुत क्लियर किए जाने की जरूरत हो। एक तरफ आप कहते हैं कि जांच करवाई जाएगी और गलती हुई है, आयोग भी माफी मांग चुका है, आयोग के चेयरमैन की ओर से माफी मांगी गई। दूसरी ओर आप कहते हैं कि 2012 में किताब छपी थी। ज्योति जी, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पिछले 3.5 साल के अंदर भारती जी की चेयरमैनशिप के अंदर लगभग 24,000 ज्वाइनिंग लेटर्स लोगों को हरियाणा के लिए दे चुका है। 25,000 नौकरियों की भर्ती जो है इन प्रोसेस है। मैं अभी कमल जी जो बात कह रहा हूँ, अभी 34 मैं अभी वही सी जवाब पे आ रहा हूँ, मैं अभी इसी जवाब पे आ रहा हूँ। 34,000 ग्रुप डी की भर्तियों के लिए सरकार ने परमिशन दे दी है। 24,000 जो नौकरियां दी गई हैं लोगों को, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मैनर पे, जो हाई कोर्ट में केस गए हैं, किसी एक केस के अंदर भी बोर्ड की कहीं भी उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं आई है, सारी की सारी खारिज हुई है। और समय पर सवाल तो उठते रहे हैं, ऐसा है, सवाल उठना एक अलग बात है, सिद्ध होना कोर्ट के अंदर जाके एक भी केस के अंदर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की कोई भी इरेगुलरिटी नहीं पाई गई है। स्कूल जो है उसके अंदर दी गई है। दूसरी पल्ला झाड़ी, दूसरी जो शायद पता नहीं कौन से दूसरी जो चीज है, दूसरी जो चीज है, आईएनएलडी के समय में जो भर्तियां हुई उसके अंदर कन्विक्शन भी हुई, और कन्विक्शन के अंदर इनके जो टॉप के लीडर प्रमुख नेता है आज भी उसकी सजा भुगत रहे हैं, और हमारी सरकार के समय में हालांकि आईएनएलडी पर जुर्माना लगाया गया, 50,000 का जुर्माना लगाया गया, हाई कोर्ट में भी मामला गया। भर्ती की जो प्रक्रिया है, भर्ती की प्रक्रिया है उसको लेके हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की किसी किस्म से भी इरेगुलरिटी नहीं पाई गई है। जहां दूसरी तरफ आईएनएलडी के टाइम पे कन्विक्शन हुई है और इसके प्रमुख नेता जो है आज भी जेल के अंदर है, और 24,000 नौकरियां हमने ट्रांसपेरेंसी और कांग्रेस के समय में जब जब भी नौकरियां दी जाती थी आयोग पर फटकार नहीं लगी, आयोग पर जुर्माना नहीं लगाया गया। बहुत साफ ये बात कह देते हैं कि कोई भी ऐसा मामला नहीं हुआ जिसमें आरोप साबित हो गए हों। ऐसा है, सवालों के जवाब जो दिए गए थे वो गलत साबित हो गए। कोर्ट की तरफ से अगर कोई कहीं कोई छोटी मोटी टेक्निकल एरर है उसको लेके है, अदरवाइज जो भर्ती की प्रक्रिया है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रही है। इसके अंदर किसी भी सवाल ऐसा है जो दलाल जो है ये पहले बताया जा चुका है, क्योंकि मेरिट एक एक करके बोलिए, एक एक करके लोगों के पैसे ले रहे थे वो भी भंडारी जी, आप बोलिए। ये बात को घुमा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और जिस बात को ये अचीवमेंट कह रहे हैं अपनी, ये बता रहे हैं कि 24,000 नौकरियां हमने 4 साल में दे दी। यही इनका यही सवाल की बात है। नहीं नहीं, इस सवाल की बात है, हम मेरे सवाल की बात बोल रहे थे कि बीच में भंडारी साहब मुंडे से ना उठते लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दे चुके हैं। मैं सिर्फ फैक्चुअली आपको करेक्ट कर रहा था, अपनी बात समय बर्बाद न कीजिए। ये लोग यू टर्न की सरकार है, और ये हमेशा घुमावदार बात करके लोगों को भ्रमित करने का इनका हमेशा से एजेंडा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आज यहाँ बैठे बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। कुछ दिन पहले ही इनके वहां से दलाल पकड़े गए, और इनकी सरकार ने माना है कि हमारा कुछ गड़बड़ियां हुई है उसके कारण रोक लगाई गई है। आज ये उस बात को अपना अचीवमेंट बता रहे हैं। ज्योति जी, मैं इनका जवाब देना चाहूंगा, जरूर आएगा तो जरूर देना। और ये बात कर रहे थे पहले कि ब्राह्मण समाज के 3 मर्डर हो गए, ये बात इनके मुंह से शोभा नहीं देती। मर्डर किसी का भी हो सकता। अभी पंचकुला में आप देखिए, दिन दहाड़े एक राजपूत युवक की हत्या होगी, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी मर्डर की ऐसा है। आप गलत बात करेंगे तो उसका जवाब
जवाब देना पड़ेगा ना। ब्राह्मण युवतियों की हत्या होती है और सरकार आरोपियों को पकड़ने में असफल रहती है और गांव के लोग उन आरोपियों को पकड़कर जेल में बंद करवाते हैं, ये तो शर्म की बात भंडारी साहब डीपी बस फोन लाइन पर मौजूद, डीपी बस साहब फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे भी उनको चर्चा में जोड़ डीपी बस साहब। भंडारी जी सुन लीजिए डीपी बस साहब फोन लाइन पर मौजूद है। डीपी बस साहब, लगातार जो है एचएसएससी पर सवाल खड़े हुए हैं, इसी साल की बात है, आपने भी तमाम तरह की जो है मीडिया रिपोर्ट्स भी देखी होंगी, जांच भी चल रही है, तो लगातार ये जो मांग उठ रही है एचएसएससी चेयरमैन को बर्खास्त करने के लेकर, इस पर सरकार क्यों नहीं विचार कर रही है, सीधे बचाव में क्यों उतर आती है? नहीं, ये अपोजिशन का काम है इस तरह की डिमांड करना। वही सर, मेरा सवाल ये, बचाव हर बार किया जाता है, ब्राह्मण समाज में कह रहा हूं बचाव भी नहीं करो, मैं कहता हूं लैप्स हुई है, लैप्स में ही हैज रिग्रेटेड, उसने माफी मांग ली, इंक्वायरी बैठा दी, इंक्वायरी का रिजल्ट आता है जिसका कसूरवार है, विडंबना यही ना सर, जांच के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, उसके बाद कोई पूछने वाला तक नहीं, पूछने वाला तो वो तो फिर ऐसी प्रक्रिया है, वो तो सिस्टम का कसूर है, मगर मैं ये कहता हूँ कि एक लैप्स होगी, उसके लिए इंक्वायरी बैठा दी, इंक्वायरी का रिजल्ट आने दो, टाइम बाउंड रिजल्ट आने दो। भंडारी साहब आपसे एक सवाल करना चाहते हैं, आत्रे साहब उसके बाद आपका सवाल। आप भारतीय जनता पार्टी के आप बहुत बड़े लीडर हो, आप इस चैनल के माध्यम से ये बता दो कि ये कितने दिनों में उस अधिकारी के और जो कसूरवार लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो जांच मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्मिक हूं, यानी कि उसका एक वर्कर हूं, एक बात, दूसरी बात मैं कमीशन का चेयरमैन नहीं हूं, दो बात, तीसरी बात उचित कार्रवाई चल रही है। आप लोगों का काम है कि भाई इस्तीफा मांगो, ये मांगो, तो आप दोगे, मगर वो एक सीरियस बात करो। मैं ये कहता हूं कि पहले जितेंद्र शर्मा जी, सरकार की जिस तरह की जांच करवाने की मंशा है वो साफ है, अभी तक जांच का हालांकि हवाला दिया जा रहा है, आप लोगों की रणनीति क्या रहेगी आगे चलकर इस मामले में? हमने नहीं, व्हाट्सएप आएंगे आपके पास, रुकिए एक बार के लिए। ओके, हमने इनको टाइम दिया है जी, 15 तारीख तक का टाइम दिया है, अगर 15 तारीख तक ये कोई कार्रवाई नहीं करते, जो दोषी हैं उनको सजा नहीं देते, हम नहीं जाते, इंक्वायरी साल चलती रहे, 4 साल चलती रहे, इंक्वायरी का तो इंक्वायरी है जी, इंक्वायरी नहीं चाहिए, रिजल्ट चाहिए ब्राह्मण समाज को, ब्राह्मण समाज की इतनी बड़ी बेइज्जती आज तक जिंदगी में कभी हुई नहीं जो इन्होंने करी है। ठीक है सिंगला साहब, तो उसको जो जिस लेवल का भी बंदा है उसको सस्पेंड या टर्मिनेट करो। ठीक है, टर्मिनेट किया जाए, आप लोगों की मांग है सिंगला साहब, क्या उस पर केस भी दर्ज होना चाहिए जी? ये बहुत सामान्य सा सवाल है जो कि एक अनपढ़ इंसान तक समझ सकता है, फिर ये भी सोचकर चला जा सकता है कि एचएसएससी तो किस तरह के सवाल पूछता होगा जिसकी आम लोगों को जानकारी भी नहीं, जिनके उत्तर या विकल्प भी गलत रहे होंगे। ज्योति जी, इस मुद्दे को लेके हरियाणा सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है और मुद्दे के ऊपर जैसे कि पहले भी बताया है कार्रवाई इनिशिएट कर दी है और सरकार पूरी तरह से गंभीर है, और मुझे आपको मैं आश्वासन देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा के दर्शकों को भी, जैसे ही शो कॉज नोटिस का जवाब आएगा हरियाणा सरकार सख्त से सख्त, 10 दिन का समय दिया जैसा कि आपने बताया है, और सख्त से सख्त जो है हरियाणा सरकार कदम उठाएगी, और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन जी के द्वारा पहले ही मतलब वेबसाइट के ऊपर इस बात को लेकर खेद प्रकट कर दिया गया है, और आगे भी आने वाले समय में इस तरह की ना कोई परेशानी आए, इस तरह के सारे सवाल जो है जिम्मेदारी प्रश्नों के अंदर से निकाल दिए गए हैं, और जैसे कि मैंने पहले बताया हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अपनी पूरी पारदर्शिता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ पिछले 3.5 साल से काम कर रहा है और आने वाले समय में भी इसी तरह काम करेगा। देखिए, बड़ी हैरानी होती है जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस तरह के कुतर्क करते हैं, कहते हैं कि चेयरमैन साहब ने खेद प्रकट कर दिया, एक समाज का आप अपमान करते हो, सामाजिक भाईचारे को तोड़ने की बात करते हो, वोट की राजनीति के तहत जो लोगों को आपस में लड़वाते हो और बाद में आप खेद प्रकट कर देते हो। कार्रवाई इनिशिएट कर दी गई है, कार्रवाई होगी, लेकिन 27 दिन बीतने के बाद अभी तक सरकार नाम नहीं बता पाई कि कार्रवाई किसके खिलाफ हो रही है, 27 दिन से आप कर क्या रहे हो? स्पष्ट समझ में आता है सोची समझी नीति के तहत ब्राह्मण समाज का अपमान किया गया है, क्योंकि ये कार्य करने में लोग दक्ष हैं, पहले जाट, फिर राजपूत, फिर दलित और अब ब्राह्मण, लगातार समाज के विभिन्न वर्गों को इस तरह से इन्होंने उद्वेलित किया
और क्योंकि सामाजिक भाईचारा टूट जाए, लोग आपस में लड़े, इस तरह की सोच भारतीय जनता पार्टी और सोच के तहत ये कार्रवाई हो रही है। आप हमें सुन पा रहे हैं तो आपसे एक सवाल है, कांग्रेस भी कह रही है कि आपने 36 बिरादरी का अपमान किया है, क्योंकि ब्राह्मण जो है पूजनीय होते हैं, उनका अपमान है तो सबका अपमान है। देखो मैं ये कहता हूं कि न मैं कास्ट वार में पढ़ना चाहता, न कास्ट पॉलिटिक्स में, न अपशकुन शकुन में। पहले तो इस क्वेश्चन को एनालाइज, मैं एक बात और बता दूं, इतिहास ये कहता है काला ब्राह्मण चाणक्य था, वो दुश्मन के लिए अपशकुन होता है, अपने दोस्तों के लिए चंद्रगुप्त को तो उसने गद्दी पे बैठा दिया था। तो इसमें हुआ गलत है जो उस पे एस्पर्शन कास्ट किया। क्या सवाल को जस्टिफाई कर रहे हैं? हाँ, या आप सवाल को अलग तरह से परिभाषित कर रहे हैं कि दायरा बढ़ा लिया? सवाल उसमें होना चाहिए था। दूसरी बात ये है कि ये जो कास्ट जाटों को कर दिया, ब्राह्मणों को कर दिया, राजपूतों को कर दिया, उसमें मैं हूँ खाप पंचायत का आदमी। हम तो ये कहते हैं जाति तोड़ो और समाज जोड़ो, समाज की रोटी बेटी एक करो। डीपी वसाव, एक सवाल ये भी है, शिक्षा प्रणाली को बीजेपी सरकार में जो अधिकारी देख रहे हैं, क्या उनपे ये बड़ा सवाल नहीं है? शिक्षा प्रणाली से तो ये किताब तो छपी हुई है 2012 की, शिक्षा प्रणाली 2018 लगा हुआ पब्लिकेशन, इसका पब्लिकेशन की अलाउ कैसे कर दिया सरकार ने? और सवाल कैसे आ गया प्रश्न पत्र में? जहां तक जात पात का सवाल है, कास्ट पॉलिटिक्स का सवाल है, ये तो सर्वविदित है कि किसने कास्ट पॉलिटिक्स फैलाई है। सामाजिक समरसता में विश्वास रखती है मेरी बिरादरी, क्या थे कोई भी बिरादरी हो, मैं तो आपकी सरकार के वक्त परीक्षा भी ये प्रश्न पूछा जाता है, विपक्ष आपको घेरता है, आप लोगों पर आरोप लगते हैं, फिर आप कहते हैं कि सबको जानकारी है। बात ये सुनो कि सरकार से कमीशन इंडिपेंडेंट है, सरकार की टॉस पट्टी कमीशन पे नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि वो इतना स्वतंत्र है, कुछ भी करता रहे स्वतंत्र। क्या सरकार की जनता के लिए कोई जवाब नहीं है एक्शन के नाम पर? के लिए मैंने कहा इंक्वायरी हो, कसूर साबित हो और उसको सजा मिले, चाहे वो चेयरमैन है, चाहे वो पेपर सेटर है, चाहे वो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। बट साहब एक सवाल आपसे, आपने कहा कि आयोग इंडिपेंडेंट है, जब बात आती है पारदर्शिता की और सरकार जब अपनी झूठ में पीठ थपथपाती है ये कह के कि आयोग में हम पारदर्शिता लेके आए, तब सरकार क्यों नहीं बोलती कि आयोग तो इंडिपेंडेंट है, हमारे अधीन नहीं है, तब तो आप बड़ी पीठ थपथपाते हो। दूसरी बात, बस आप एक मिनट, बस आप एक मिनट, हुई तो आयोग पे ही छापा मरवाया। तो फिर आप ये बात आप मानते हो कि जो इस वक्त आयोग के अंदर धांधली और भ्रष्टाचार चल रहा था वो व्यापक था, इस बात को आप एडमिट करते हो? एडमिट नहीं करता, मैं करता हूँ इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी कंप्लेंट होने पे एक्शन तो हुआ ना। बस साहब एक और चीज, मैं मानता हूँ राजनीति मजबूरियां बड़ी चीज होती हैं, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ आप जैसा बुद्धिजीवी ब्राह्मण आज किस तरह से सरकार के इस गुनाह को डिफेंड कर रहा है चैनल पे, मुझे जान के बड़ा दुख हुआ। अरे भाई मैं तो ये कहता हूँ पुरानी सरकारों में आयोग का आयोग डिसमिस हुआ है। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि किस आयोग को किसने अधिकार दे दिया किसी समाज के बारे में इस तरह का प्रश्न पूछने का, इस तरह की टिप्पणी करने का? आप सीधा सीधा क्यों नहीं कहते आयोग को बंद करो? आप क्यों नहीं कहते चेयरमैन को बर्खास्त करो? कमल जी मैं तो खुद कह रहा हूँ कि प्रश्न आपकी तरफ से रहने चाहिए, अगर राजनीति किस तरह से प्रश्न आदान प्रदान हो गए तो बात की सजा मिलनी चाहिए, गलती की सजा मिलनी चाहिए। जी सिंगल साहब आप ही जवाब दे दीजिए। मेरा कमल जी आपसे आग्रह था, सवाल आपने गेस्ट जो बुलाए हैं ऑन फोन, आपकी तरफ से सवाल हो ठीक है, अगर राजनीति तो विपक्ष अगर सवाल उठाएगा, विपक्ष अगर सवाल सत्ता से पूछता है, इसमें दिक्कत ही क्या है सर? जवाब दीजिए, आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, आपसे उम्मीद है कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई भी छुपाने वाली बात नहीं है। ब्राह्मण समाज को हम ये आश्वस्त करना चाहेंगे, बार बार अलग अलग विश्वास नहीं ले पाए ब्राह्मण समुदाय
ब्राह्मण समुदाय जो सड़कों पर है आपकी सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी कर रहा है, आयोग के खिलाफ भी नारेबाजी कर रहा है, आप विश्वास में समुदाय को नहीं ले पाए अब तक? नहीं, मैं बार बार ज्योति जी हमारी सरकार के द्वारा सीएम साहब के ऑफिस में से भी ये बार बार आश्वस्त किया जा रहा है, हमने नोटिस दे दिया है ब्राह्मण समाज को। मैं फिर पुनः आश्वस्त करना चाहूंगा, जो भी दोषी पाया जाएगा, जो भी दोषी होगा आपके साथ ही बैठे जाएगी, दोषियों को बख्शा नहीं आपके साथ ही बैठे, सिर्फ 10 दिन का समय दिया गया है, जांच हो रही है, तो मैं ये आश्वस्त ब्राह्मण समाज को करना चाहूंगा। आप आश्वस्त है? सारी मूंजवानी बात है, तो पता ही नहीं क्या ऐसा है। शर्मा जी, एक प्रक्रिया है सरकारी, जब भी कोई इस तरह का काम मुद्दा सामने आता है पहले संबंधित अधिकारियों को नोटिस दिया जाता है, उनका जवाब आने के बाद ही अगली कार्रवाई की जाती है, कोई एविडेंस होता है, जुडिशियल एक प्रक्रिया है। जिनको आपने नोटिस किया है आप ये तो बता सकते हो ना, सारे ब्राह्मणों में रोष और उद्रोष को कैसे शांत करोगे? हम बार बार आपसे यही आग्रह कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं, जो ये हुआ है इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, सभी के सभी नेताओं के द्वारा भी ये कहा जा रहा है, बिल्कुल भी इस ये जो प्रश्न है बिल्कुल गलत था, इसकी कड़ी शब्दों में निंदा की जा रही है, संबंधित अधिकारी को शोका से नोटिस दे दिया गया है, जो सजा है सवाल बीजेपी का नाम भारतीय जांच पार्टी हो गया है, ये कांग्रेस के खिलाफ भी ऐसे ही कहते थे कि हम जब आएंगे ये करेंगे इसके खिलाफ, ये आज तक जांच चलती आ रही है हर मुद्दों पे, कभी भी इन्होंने आज तक कोई काम ऐसा नहीं किया। ऐसा भंडारी साहब भूल जाते हैं, हुड्डा के अंदर कर्मचारी अधिकारी दोषी पाए गए, आज वो जेल के अंदर है, आपने हमेशा सिलेक्शन कमीशन के अंदर इसलिए रेल की गई, वो सारे के सारे लोग आज जेल के अंदर बंद है, समय समय पर एक मिनट मुद्दा जरूर समझा कीजिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में बने रहने के लिए। तो एचएसएससी के सवाल को लेकर चर्चा की, सवाल को लेकर दो बवाल जारी है, उसको लेकर चर्चा की। बिना दीजिए इजाजत, नमस्कार।